हे गाइस वेलकम टू यूनिक एजुकेशन चैनल। पिछली बार हमने वीडियो में समझाया था आपको, 1, 2, 3 पार्ट बना दिए थे। उसमें कुछ दो पार्ट में बेसिक समझाया था, टर्मक्स एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारा हमने बेसिक कंप्लीट किया था दो पार्ट में। और तीसरे पार्ट में हमने सिखाया था कुछ हैकिंग, जैसे फ़ोन अनलिमिटेड मैसेज टीबॉम के द्वारा अनलिमिटेड मैसेज कैसे भेजा जाता है, अनलिमिटेड कॉल कैसे भेजा जाती है किसी टारगेट या विक्टिम को। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो फोर पार्ट जिसमें हम मोबाइल टर्मक्स की जो एप्लीकेशन है उसे सिक्योरिटी पासवर्ड देना, मतलब पासवर्ड कैसे हम उसे पासवर्ड दे के उसे सिक्योर रख सकें, ताकि कोई भी हमारा एप्लीकेशन जो टर्मक्स एप्लीकेशन है उसे कोई इस्तेमाल ना कर सके। तो फ्रेंड्स बने रहिए, शुरू करते हैं। आपको पहले उस एप्लीकेशन की जिसको आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पहले ओपन करना होगा, ओपन कर लें टर्मक्स, ओपन करना है आपको। फिर आपको ये वर्क है क्लियर कर देना है, क्लियर। फिर जैसे हमें कोई एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करते हैं तो फिर उसे अपडेट करने के लिए एक कमांड देनी होती है, अपडेट और अपग्रेड करने के लिए कमांड देनी होती है, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो वर्क कर सके। तो हम एक कमांड देंगे apt अपडेट, apt अपडेट एंड apt अपडेट एंड apt अपग्रेड एंटर, और आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। फ्रेंड मैंने नेट नहीं खोला था, इंटरनेट खोल दिया, क्लियर कर देंगे इस वर्क को, एंटर करना है। फिर आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल करना होगा जो पहले हमने बताया था। पैकेज इंस्टॉल करते हैं pkg install git ये एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये वर्क क्लियर कर देता हूँ मैं, एंटर। फिर आपको एक लिंक लिखना होगा जिसके वेबसाइट के द्वारा ये टूल हम सिक्योरिटी लगा सकेंगे। तो हम ये लिंक लगा देना, git clone /forvag/login, क्योंकि हमें पासवर्ड लगाना है इसमें टूल की मदद से, लॉगिन कर लेंगे ये, एंटर। मैंने पहले से एग्जिट मोड में है, मैंने पहले से ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर दिया है। आपको ये लिंक डाल के आपका जो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, क्लोनी होगी वो आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो शुरू करते हैं, फिर मैं ls करूँ, ये देखो tbomb login इसमें इंस्टॉल है हमारा टूल। अब इसे हम ओपन, इसे खोलने के लिए हमें cd कमांड लगाना है, cd login, एंटर किया, ls करेंगे, फिर cd कमांड लगाना है, ओपन करना है, login, एंटर, ls करेंगे। देखिए सेटअप फाइल खुल गई लॉगिन की। अगर हम ऐसे, अगर ये वाइट कलर में, अगर आपको एग्जीक्यूट इस मोड में, तो जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेड मोड में आ गई है। अगर आपकी एग्जीक्यूटेड मोड में नहीं आती तो आपको एक कमांड लिखनी होगी ch चेंज मोड setup.ss, ये कमांड लिखनी होगी, ls करनी, हमारी फाइल एग्जीक्यूटिव मोड में आएगी, क्योंकि पहले से एग्जीक्यूटिव मोड में है, इसलिए तो हमारी वैसी की वैसी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे फिर हमें लिखना है बेस फाइल, ताकि हम पासवर्ड सिक्योरिटी लगा सकें, बेस
सेटअप डॉट एस एच एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया हमने, अब पासवर्ड मांग रहे फ्रेंड, तो आपको 1 2 3 4 एंटर कर देंगे पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड फिर दोबारा कर देंगे 1 2 3 4 एंटर। अगर हमें बाहर आना है तो एग्ज़िट करके बाहर आ जाएंगे, मतलब एग्ज़िट करेंगे एंटर, क्योंकि अभी एग्ज़िट नहीं हुआ है हमारा, पासवर्ड मांग रहा है फ्रेंड। तो आपको फिर से एलएस करना है, सॉरी पासवर्ड देना है, बाय बात करेगा 1 2 3 4 एंटर कर देना, फिर एलएस करना है, सीडी सीडी कमांड का लॉगिन खोलना है, लॉगिन 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 एंटर करना है, एलएस करना है, फिर सीडी कमांड लगाना है, लॉगिन एंटर एलएस करना है, फाइल हमारी खुल गई, बेस फाइल लिख दें, बेस फाइल हमें बेस फाइल अनइंस्टॉल लिखना है, क्योंकि हमारी फाइल अनइंस्टॉल हो जाए, अनइंस्टॉल डॉट एस एच, हमारी फाइल जो टर्मक्स लॉग इन किया था हमने वो टूल वो रिमूव हो गया, अब एग्जिट करेंगे ये हो जाएगा फ्रेंड, हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल एंड गुड बाय।